मोदी केयर फाउंडेशन के स्वास्थ्य कार्यक्रम हिफाजत की तरफ से मैं डॉक्टर गीता श्रीनिवासन आज आंख के कुछ आम बीमारियों के बारे में बात करना चाहूंगी। आम बीमारियों में सफेद मोतिया, काला मोतिया और डायबिटिक रेटिनोपैथी काफी महत्वपूर्ण है। सफेद मोतिया हम सब जानते हैं, जिसको आम हम बोलते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट या सफेद मोतिया का मतलब है कि आंख के अंदर जो हमारी लेंस होती है वो थोड़ा सा सफेद होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर ये शुरू होती है 60 या 60 साल के बाद, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 60 साल के ऊपर के उम्र में ही ये होगा। छोटे बच्चों में भी हम सफेद मोतिया देखते हैं, पैदाइशी भी कभी कभी सफेद मोतिया होती है बच्चों में। तो जरूरी है कि हम इस प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट्स को क्या परेशानी होती है वो हम उसको जाने। तो जिन मरीज में सफेद मोतिया बनने लगता है या होता है, उनमें बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि निगाह की कमी शुरू हो जाती है। निगाह दूर की हो सकती है, नजदीक की भी हो सकती है, और कभी कभी जो है पैर मरीज को ये पता भी नहीं चलता है, क्योंकि एक आंख में सफेद मोतिया बनता जाता है और दूसरे में उतनी ज्यादा होती नहीं है। कभी कभी सफेद मोतिया के भी अलग अलग किस्म होते हैं, और कुछ किस्म के सफेद मोतिया में सिर्फ ड्राइविंग के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्लेयर बहुत ज्यादा पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि सफेद मोतिया आंख के किस हिस्से में बनी हुई है। अगर आंख के लेंस के पीछे के हिस्से में सफेद मोतिया बनता है तो मरीज को देखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बेशक ही ना हो, लेकिन जब वो ड्राइव कर रहा है रात को तो आगे की लाइटें जब आती हैं गाड़ियों की, तब उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। तो सफेद मोतिया जब भी होता है, एक चेकअप तो जरूरी होती ही है। फिर डॉक्टर गाइड करेंगे आपको कि आपका जो सफेद मोतिया है ऑपरेशन के लायक है, या थोड़ी देर और आप रुक के सिर्फ चश्मे के साथ आप टाइम बिता सकते हैं। अगर ऑपरेशन की स्टेज आ जाती है, मोतिया उस स्टेज तक पक जाता है कि सर्जरी की जरूरत है, तो फिर आपके डॉक्टर समझाएंगे आपको, उसमें हम लोग लेंस डालते हैं। सफेद मोतिया जो आंख में बनी हुई है उसको हम हटा के एक आर्टिफिशियल लेंस, जिसको हम लोग इंट्रा ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं, उसको डाल के उससे फिर हम निगाह को वापस लौटाते हैं मरीज को। तो ये एक डे केयर प्रोसीजर है, ये नहीं कि रुकना पड़ता है या भर्ती होनी पड़ती है या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। आजकल तो तकनीकें इतनी बदल चुकी हैं, इतने फॉरवर्ड हो गए हैं तकनीकें, कि आप सुबह आके सर्जरी करवा के फिर उसके बाद तुरंत जा सकते हैं, और ड्रॉप्स आपको डालने होंगे 2-3 हफ्ते के लिए, और फिर आपको चश्मा दिया जाएगा नजदीक के लिए। तो ये रही सफेद मोतिया के बारे में। दूसरी एक बीमारी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए, वो है काला मोतिया। काला मोतिया इसलिए ज्यादा जरूरी है सफेद मोतिया के साथ, क्योंकि सफेद मोतिया में क्योंकि निगाह घटती है, पेशेंट को पता चल जाता है कि हाँ मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए वो दिखा देंगे। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग एक साइलेंट थीफ बोलते हैं, मतलब जो आके लूट रहा है बिना पता चले, और वो क्या लूट रहा है, निगाह को लूट रहा है। तो साइलेंट थीफ ऑफ साइट, मतलब वो निगाह को धीरे धीरे घटा रहा है और मरीज को पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए काला मोतिया होता क्या है, काला मोतिया होता यह है कि आंख की जो प्रेशर है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, आंख का भी एक प्रेशर होता है। आंख का प्रेशर नॉर्मली अगर हम एक जनरल तौर से देखें तो 20 से नीचे होना चाहिए, 20 मिलीमीटर से नीचे। अगर 20 मिलीमीटर से ऊपर जाता है तो वो हमारी आंख की जो नस है उसको कमजोर बना सकता है, उस चीज को हम लोग काला मोतिया बोलते हैं। और ये चीज जैसे मैंने अभी बताया, बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरह हैं काला मोतिया के, लेकिन ज्यादातर पेशेंट को पता नहीं चलता है। तो जब भी कोई भी मरीज 40 साल का हो तो फिर एक चेकअप जरूर करवाएं।
ताकि आंख का प्रेशर भी चेक हो, आंख का नस भी चेक हो और काला मोतिया मिस ना हो, ताकि हम उस चीज को जल्दी पकड़ में लाके फिर उसका ट्रीटमेंट हम करें। तो इसीलिए हम जब भी 40 इयर्स के आसपास कोई हो जाता है तो एक चेकअप बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज, अगर फैमिली में किसी को काला मोतिया हो, ऐसे मरीज को थोड़े जल्दी से ही सतर्क होना बेटर रहता है। 30 साल से ही आप अपना चेकअप जो है शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि आंख में लालिमा ना हो, देखने की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपको काला मोतिया हो जो अर्ली स्टेजेस में हो। और जितनी जल्दी, इस चीज के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट है, हम प्रेशर चेक करेंगे, कुछ कंप्यूटर के चेकअप्स हैं जो बताएगा कि आपको काला मोतिया है या नहीं है, और अगर है तो हम ड्रॉप्स लिख के देंगे, या अगर लेजर करना है जो छोटी सी प्रोसीजर वो करके आपकी प्रेशर को स्टेबल कर देंगे, और अगर लेट स्टेजेस में है तो फिर ऑपरेशन की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है। लेकिन ज्यादातर मरीज जो है सिर्फ दवाइयों के साथ या छोटी लेजर प्रोसीजर के साथ स्टेबल रहते हैं। एक और चीज जो बहुत ही अहम है जब हम काला मोतिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि अगर काला मोतिया की वजह से निगाह चली जाती है किसी की, उस चीज को डॉक्टर वापस लौटा नहीं पाता। इसलिए हम सब पेशेंट्स को बताते हैं कि इस चीज में डिले ना करें, और प्लीज रेगुलर चेकअप, अगर एक साल में नहीं तो एटलीस्ट 2 साल में एक बार एक पूरी चेकअप 40 साल के बाद सबको करा लेना चाहिए। तीसरी रही डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है? शुगर और डायबिटीज हम सब जानते ही हैं, और शुगर जब हो जाता है मरीज को, जब डायबिटीज हो जाती है, तो हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स को वो अफेक्ट करता है। वो दिल को अफेक्ट करता है, किडनीज को अफेक्ट करता है, और आईज को भी खासकर अफेक्ट करती है। और आंखों में क्या प्रॉब्लम आती है, कॉर्निया को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन खासकर वो रेटिना को अफेक्ट करता है। जैसे रेटिना में प्रॉब्लम क्या होती है, ब्लीडिंग हो सकता है, बाकी सारी चीजें होती हैं रेटिना में जिसकी वजह से निगाह घट सकती है। कभी कभी तो अचानक घट जाती है और कभी कभी धीरे घटती है। तो जब भी किसी मरीज को शुगर की प्रॉब्लम हो, दो चीज करनी है। एक, कि वो शुगर को एकदम अच्छे कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर ऊपर नीचे चलता जाएगा शुगर का लेवल तो रेटिना डेफिनेटली अफेक्ट होगा ही होगा। दूसरी चीज जो है, हर एक साल में, चाहे शुगर कंट्रोल में हो या ना हो, एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जरूर दिखाएं अपनी आंख को, क्योंकि अगर ये चीज भी सामने जल्दी आ जाती है तो हम लेजर करके आंख को हम महफूज रख सकते हैं। यही चीज अगर लेट हो जाता है तो डॉक्टर भी बहुत ही कम कर पाता है। तो मेरी आज मैसेज होगी कि जो भी 40 साल के आसपास हो रहा हो एज में, उन वो लोग एक रेगुलर चेकअप करवा लें एक अच्छी डॉक्टर के साथ। ये नहीं कि ऑप्टिशियन के पास जाके आप सिर्फ चश्मे का चेकअप करा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए ताकि ये सारी चीजें पूरी चेकअप हो जाए और आपकी आंख महफूज रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।